में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सीधा तरीका है पहले मिश्रधन निकालने। ए बराबर क्या होता है, पी इंटू वन प्लस आर बटे 100 टू द पावर एन, ठीक है, ये होता है। तो कितनी बार में कट गया, ये कट गया 3 बार में, और 20 पंचे 100, तो कितना हो गया ये 12,000 गुणे 23/20 गुणे 23/20 गुणे 23/20, ये हो गया 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 से 3 बार में 12 कट गया, ठीक। अब 23 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 3, ठीक, तो 23 का क्यूब कितना, तो 23 का क्यूब होता है 12,167 गुणे 3/2, 12,167 गुणे 3/2, तो 12,167 में 3 का गुणा तो हो जाएगा 36,501, 36,501/2, 36,501 में 2 से भाग देते हैं अगर, तो आ जाएगा 18,250.5, ठीक है, 18,250.5। अब इसमें 12,000 रुपये था मूलधन, 18,250 रुपये 50 पैसे हो गया मिश्रधन, तो कितना देख रहे हैं आप कि 6,250, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना आ रहा है, 6,250 रुपये 50 पैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये दिया है 6,250 रुपये 50 पैसे दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।